डॉक्टर ए के द्विवेदी, सदस्य आयुष मंत्रालय भारत सरकार। दोस्तों, ये जो कोरोना काल है, नया काल आ गया, एक नई बीमारी आ गई, इसके बारे में मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ, आयुष चिकित्सा पद्धतियों का इसमें क्या रोल रहा। लोग काफ़ी परेशान रहे हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं अप्रैल से ही, मार्च में जब लॉकडाउन हो गया तो अप्रैल माह से ही कोरोना के लिए काफ़ी सारा काम किया। मैं मध्य प्रदेश की कोरोना हेल्पलाइन में काम करता था, मुझे कोरोना हेल्पलाइन में रखा गया और मैं उस पर जो फ़ोन आता था लोगों का, मतलब पूरे मध्य प्रदेश से उस पर फ़ोन आता था और लोग उस समय जानते नहीं थे कि ये कोरोना होता क्या है। हर व्यक्ति को लगता था कि कहीं हमको कोरोना तो नहीं हो गया। उस समय अचानक से सारे अस्पताल बंद हो गए, सारे क्लिनिक बंद हो गए। उस समय हमने जो लोगों को हेल्प किया है फ़ोन के ज़रिए, पूरा निःशुल्क किया है, क्योंकि हम कोरोना हेल्पलाइन पे काम कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय तक काम किए, तो लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही थी मैं वो बात करने जा रहा हूँ। और आज लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है मैं ये भी आपको बताऊँगा किस तरीके से हमने उस समय में काम किया और आज काम किया। जब कोरोना का शुरुआत था, मैं 28 जनवरी को मेरी मीटिंग थी, आयुष मंत्रालय का एक पार्ट है CCRH, केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, वहाँ पर मीटिंग चल रही थी और आयुष से ये हमको खबर आया कि होम्योपैथिक में ऐसा कोई दवाई है जो इस बीमारी का रोकथाम कर सकती है या इम्यूनिटी बेहतर कर सकती है। तो हमारी मीटिंग को रोक करके और इस पर बात की गई कि क्या हो सकता है। तो बहुत सारे विशेषज्ञ होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे हुए थे। उस समय चाइना में बीमारी थी, इंडिया में नहीं थी। तो चाइना की जो लोगों की बीमारी थी, जो लक्षण थे, वो लैंसेट मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। तो लैंसेट मैगजीन के आधार पे, उसमें जो आर्टिकल प्रकाशित हुए थे, उसका आर्टिकल के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयों का एक तरीका होता है सर्च करने का, रिपर्टराइजेशन। उन लक्षणों के आधार पर रिपर्टराइजेशन किया गया और जो दवाई निकल करके आई वो आर्सेनिक एल्बम निकल करके आई, जिसको अगले दिन आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को लेने के लिए बोला। और पूरे देश में काफ़ी संख्या में आर्सेनिक एल्बम का लोगों ने प्रयोग किया। मैं तो यहाँ पर कई सारे लोगों को दिया। मैं अगर बताऊँ तो सेंट्रल जेल में कई कैदियों को दिया। वहाँ पर जितने कैदी रहते थे उनको बहुत उससे राहत मिली। सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट साहब बताते हैं कि हमारे कैदी कोरोना होने से बच गए। हमारे आसपास के सभी लोगों को दिया, मरीजों को निःशुल्क वितरित किया, बहुत सारा उसका रिजल्ट भी देखा। आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा इसमें काम किया, जिससे लोगों को कोरोना जैसी बीमारी नहीं। यदि मैं बात करूँ कि कोरोना होने के बाद क्या हुआ, कोरोना होने के बाद लोग अस्पतालों की तरफ दौड़े, अस्पतालों में जगह नहीं मिली, फिर आया होम आइसोलेशन की बात, लोग घर में रह करके ठीक होने लगे। मेरी एक पेशेंट भोपाल में थी जो 80 ईयर्स से भी ज़्यादा थी, उनको कोमॉर्बिडिटी भी थी, उनको कोरोना हो गया, उनके परिवार के जितने लोग थे सभी को कोरोना हो गया। उनको वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि अस्पताल में इनको एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन घर के लोग चूँकि उम्र ज़्यादा थी, 80 साल से ज़्यादा थी, तो उनको लेके नहीं जाना चाहते थे अस्पताल में, कि अस्पताल में कौन ध्यान रखेगा। उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और सारा रिपोर्ट भेजा, उनका पॉजिटिव की रिपोर्ट, साथ में सीटी स्कैनिंग की रिपोर्ट। मैंने उनको यहाँ से, इंदौर से होम्योपैथिक दवाई भोपाल भेजवाया। तब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका था और 80 साल से ज़्यादा की उम्र होने के बाद भी शुगर, डायबिटीज़, BP, स्पॉन्डिलाइटिस सब होने के बाद भी उन्होंने होम्योपैथिक दवाई लिया और गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल पालन किया, घर पे ही रह करके वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो उसके बाद और लोगों को पता चला, इंदौर में ही एक 75 ईयर्स की ज़्यादा की उम्र की लेडी थी जिनको कोरोना हो गया, वो लोग भी घर पे ही रखना चाहते थे। यहाँ के जो कोरोना अधिकारी हैं इंदौर के, उनसे मेरी बात हुई, जो पूरा देख रहे थे इंदौर में कोरोना, उन्होंने बोला कि सर उसका उम्र बहुत ज़्यादा है, इनको कोमॉर्बिडिटी भी है, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार इनको घर पे नहीं अस्पताल में रखना चाहिए, लेकिन उनके घर के लोग अस्पताल में रखने को तैयार नहीं थे। उनसे लिखित स्टेटमेंट लिया गवर्नमेंट ने और उनको साथ में होम्योपैथिक दवाई दिया, जो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल था उसके साथ में होम्योपैथिक दवाई दिया और उनको घर पे ही रह करके पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। ये दोनों जो बुज़ुर्ग पेशेंट थे, मतलब मोर देन 70 या 75 ईयर्स थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से काफ़ी सारे यंग जो लोग थे जिनको कोरोना हो गया, उनको भी हमने काफ़ी हेल्प किया और घर पर ही रह करके उनको पूरी तरह से
बीमारी से छुटकारा मिल गया, कोई परेशानी नहीं हुई। अगर मैं बात करूँ ऐसे मरीजों की जो अस्पताल में एडमिट हुए, ऐसे में काफ़ी यंग मरीज भी थे। एक साजापुर के TI थे जो यहाँ के अस्पताल में एडमिट थे, लगभग 25 दिन भर्ती होने के बाद भी उनको परेशानी कम नहीं हुई, खूब सारा उनका ट्रीटमेंट हुआ, अस्पताल में डिस्चार्ज ले लिया। उसके बाद मेरे पास CT लेकर के आया और CT में 70% चेंजेस थे। उनको हमने होम्योपैथिक दवाइयाँ दिया, उसके अलावा मैंने कुछ नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट एडवाइस किया और उनको योगिक थेरापी बताया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। हमारा एक नेचुरोपैथी सेंटर है जहाँ पे हम लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कराते हैं। अगर हमारी ब्रीदिंग अच्छी रहेगी, हमारा जो ताकत है शरीर का वो ऑक्सीजन है, और कोरोना जो है वो लंग को ख़राब कर रहा है, मतलब फेफड़े को ख़राब कर रहा है, तो आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसलिए कमज़ोरी बढ़ जाएगी। कई सारे मरीज आ रहे हैं जिनका 25 दिन से लेकर के 35 दिन 40 दिन तक कमज़ोरी नहीं ठीक हो रही है। तो कमज़ोरी कैसे ठीक होगी? अगर फेफड़े में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो कमज़ोरी ठीक कैसे होगी? शरीर का ताकत तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजनेशन लेवल बढ़ाने के लिए हमने कार्बोवेज नामक होम्योपैथिक दवाई दिया, उससे बहुत अच्छा उनको फायदा हुआ। तो हमने एक जो समन्वय चिकित्सा थी आयुष की, सभी चिकित्सा पद्धतियों का हमने रिजल्ट कोरोना में देखा। कोरोना एक ऐसी महामारी आई जिसमें लोगों ने एलोपैथी के साथ साथ काढ़ा पिया, होम्योपैथिक दवाई अपनाया, योग किया, नेचुरोपैथी किया, श्वास लिया, भाप लिया, मतलब एक ही बीमारी के लिए हर तरह का ट्रीटमेंट अपनाया, जिसने ये साबित किया कि कोई भी बीमारी हो, अगर किसी एक चिकित्सा पद्धति में उसका इलाज नहीं है तो आप समग्र चिकित्सा को अपना करके भी स्वस्थ हो सकते हैं। जो मरीज अस्पताल में एडमिट थे उनको भी वहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराया गया, योगा कराया गया, काढ़ा प्रोवाइड किया गया। जब ऐसी बीमारी आ जाए जिसका कोई इलाज ही नहीं है तो सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को एक साथ मिलकर के बैठना चाहिए और ऐसा एक टास्क फोर्स होना चाहिए जिसमें सभी चिकित्सा पद्धतियाँ सम्मिलित हों और सभी चिकित्सा पद्धतियों के लोग मिलकर के उसके लिए कार्य करें। ऐसी बीमारियाँ क्या क्या हैं? अगर मैं पुरानी बीमारियों के लिए बात करूँ तो उसमें एक है आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द लोगों का ठीक नहीं होता है, लोग पेन किलर दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर दवाई खाने से उनको एसिडिटी हो जाती है, पेन किलर दवाई खाने से उनकी किडनी खराब हो जाती है। मतलब एक बीमारी तो ठीक होती नहीं है, दूसरी बीमारी भी हो जाती है। तो ऐसी बीमारी के लिए भी इस तरीके का ट्रीटमेंट, समन्वय ट्रीटमेंट या समग्र चिकित्सा प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, ऐसे मरीज आते हैं गठिया के जो 30 साल 40 साल से चल नहीं पाते हैं, हम उनको एक महीने डेढ़ महीने नेचुरोपैथी के लिए रखते हैं। वहाँ पर नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट होता है, मसाज दिया जाता है, योग कराते हैं और साथ में हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट देते हैं, और ऐसा मरीज जो 40 साल से चल नहीं पा रहा था वो चल करके जाता है। इसी तरीके से अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूँ तो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे देश के लिए। डायबिटीज़ के मरीज में क्या होता है कि उसका वो टैबलेट खाता है, इंसुलिन लेता है, फिर भी उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है। तो मैं ऐसे सभी मरीजों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप आयुष चिकित्सा पद्धति को अपनाइए, आप होम्योपैथी को लीजिए, नेचुरोपैथी को लीजिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, उससे आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल 600 हो जाता है और वो 6 यूनिट से इंसुलिन लेना चालू करता है, इंसुलिन भी 50-60 यूनिट पर पहुंच जाता है। मतलब 50-60 यूनिट तक इंसुलिन ले रहा है और शुगर लेवल भी बढ़ते चले जा रहा है। उसको हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट देते हैं, यौगिक उपचार करते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा अपनाने का सलाह देते हैं, उससे उसका ब्लड शुगर लेवल कम होता चला जाता है। थोड़ा समय तो लगेगा ना, अगर बीमारी पुरानी है, जटिल है, असाध्य है, तो उसको ठीक होने में, लाइन में लाने में भी समय लगेगा। ऐसे ही लोग आते हैं जिनका पेट बढ़ा हुआ होता है, काफ़ी सारी महिलाएं आती हैं जिनकी पेट बढ़ जाता है या हिप बढ़ जाता है, यहाँ पे बटक पे बहुत ज़्यादा फैट कलेक्शन हो जाता है, उनको हम लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी में बिठाते हैं। हमारे पास जकूजी है, कटी स्नान है, इसी तरीके से मड थेरापी है, मिट्टी की पट्टी रखते हैं और मिट्टी चिकित्सा करते हैं, उससे फैट बहुत जल्दी कम होने लगता है। अगर आप इस तरीके का ट्रीटमेंट अप्लाएंगे तो बिना किसी साइड इफेक्ट के आप स्वस्थ नजर आएंगे। दोस्तों, चिकित्सा प्रणाली में कई तरह की चिकित्सा प्रणालियाँ हैं। एक तो वो जो केमिकल जनित है जिसका साइड इफेक्ट तो आपके शरीर पर होगा ही होगा, चाहे वो आराम कराए, फायदा कराए या न कराए। दूसरी ऐसी चिकित्सा प्रणालियाँ हैं जो नेचुरोपैथी जैसे प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है जिसमें आपको फायदा ही फायदा होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। तो होम्योपैथिक या योग या प्राणायाम, ध्यान या नेचुरोपैथिक चिकित्सा आपको अपनानी चाहिए। अब समय ऐसा आ गया है, कोरोना ने ऐसा सिखा दिया, मतलब हमारे ऐसे बच्चे जो पिज्ज़ा बर्गर के बगैर
में रहते ही नहीं थे, हम हर सैटरडे संडे शाम को पार्टी में जाते थे होटल में, और 6 महीने के लिए सब कुछ बंद हो गया। घर में हमने रोटी सब्जी खाई, दाल चावल खाया। वो बच्चे जो बिना पिज्ज़ा बर्गर के नहीं रहते थे, आज वो रोटी सब्जी बहुत चाव से खा रहे हैं। उनके पेरेंट्स बताते थे कि घर का तो खाना ही नहीं खाते, ये होटल का ही खाना मंगाते रहते हैं, बस 5 मिनट में पिज्ज़ा आ रहा है, बस 5 मिनट में मैगी बन गई। तो आप उन देशों को देखिए, जिन देशों में ये सारा लोग ज़्यादा खाते थे उनमें डेथ रेट कोरोना के कारण ज़्यादा थी। हमारे देश में अगर आप भारत में देखें तो हम लोग प्राकृतिक परिवेश में ज़्यादा रहते थे, भारत गांव का देश है, गांव में आज भी कोरोना के मरीज उतना ज़्यादा नहीं है। तो उसका कारण क्या है? प्राकृतिक परिवेश। आप प्रकृति के साथ जितना रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे, प्रकृति से जितना दूर जाएंगे, जितना आर्टिफिशियल लाइफ अपनाएंगे उतना बीमारियों के नज़दीक जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। अगर आप छोटे बच्चों को देखें तो मैं जब बचपन की बात करूंगा तो हम लोग छोटे थे तो ऐसा धूल में खेलते थे, मिट्टी में चलते थे, तो हम लोग जल्दी चलने लगे। जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, धूल में बड़े होते हैं, उनका माइलस्टोन जल्दी हो जाता है। आज बच्चे पलंग पर होते हैं और मोटे गद्दे पर खेलते हैं तो उनका माइलस्टोन डिले हो जाता है। पेरेंट्स बताते हैं कि उनका माइलस्टोन डिले हो रहा है, वो जल्दी नहीं चल पा रहे हैं। इसी तरीके से जो फीमेल्स हैं प्रेगनेंसी के समय वो लोग अच्छी डाइट नहीं लेती हैं तो उनमें ब्रेस्ट मिल्क जो है फीडिंग के लिए मिल नहीं पाता है। तो मैं उन सभी महिलाओं से ये आग्रह करता हूँ कि आप प्रेगनेंसी के समय हेल्दी डाइट लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क लीजिए। उससे क्या होगा कि प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होगी तो आपको अच्छा मिल्क आएगा, जो बच्चे में कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं, आज सब जगह रेडियो पे टीवी पे प्रचार आता है कि 4 से 6 महीने तक बच्चे को केवल मदर्स मिल्क देना चाहिए। तो मदर्स मिल्क जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, बच्चे को इम्यूनिटी बढ़ाएगा और उससे वो बीमार कम होगा। तो मैं सारी ऐसी महिलाओं को आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जितना आप अपने पति का बच्चे का ध्यान रखती हैं उतना आप स्वयं का भी ध्यान रखें। आप हेल्दी डाइट लीजिए, अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा। अगर हेल्दी मदर होगी तो उसका हेल्दी बच्चा होगा तो हमारा नेशन भी हेल्दी होगा। तो आप सब लोग आयुष चिकित्सा को अपनाइए, होम्योपैथी नेचुरोपैथी को अपनाइए, जिसका कोई नुकसान नहीं होता शरीर पर, आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इसी कामना के साथ थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।